प्लस टू प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय धनी फुलसरा में संचालित 5 दिवसीय भारत स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर आज विधिवत समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ, जहां 5 दिनों तक संचालित इस शिविर विद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षक के रूप में मौजूद देवासर चटर्जी के द्वारा गार्ड स्क्वाड गाइड नियम प्रतिज्ञा बाएं हाथ मिलाना आत्मरक्षा से जुड़े जानकारी बच्चों में अनुशासन की भावना स्क्वाड गाइड का इतिहास पिरामाइड निर्माण प्राथमिक उपचार एवं अन्य कई विषयों के संदर्भ में जानकारी दिया गया था। प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक यूनुस ने बच्चे के अभिभावकों को बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की है, साथ ही साथ स्क्वाड गाइड का भी सहयोग किया। आज समाप्त हो गए, हम लोग 5 दिन से आ रहे थे जी लेने के लिए, आज फाइनल हो चुके हैं। कितना दिन तक ट्रेनिंग चला? 5 दिन का। भारत स्क्वाड गाइड की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया? यस सर, आज फाइनल हो चुके हैं। कौन सा विद्यालय का नाम बताइए? एचपी प्रोजेक्ट घनी फुलसरा। नाम आपका? कल्पना कुमारी। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर शिविर का संचालन किया गया था, जिसमें बतौर प्रशिक्षक के रूप में जिला से प्रतिनियुक्त किए गए प्रशिक्षक महोदय लोग आए हुए थे। उनके माध्यम से बच्चों का 5 दिन का प्रशिक्षण चला। उस प्रशिक्षण में बच्चों को अनुमान लगाना, मैपिंग की जानकारी, स्काउट गाइड के प्रवेश संबंधित सभी विषयों की जानकारी एवं उन्हें मॉक ड्रिल, पिरामिड बनाना, घास के चिन्ह इत्यादि की जानकारी दी गई, जहाँ बच्चों के बीच शिविर समापन के दौरान प्रमाण पत्र भी दिया गया एवं स्कार्फ पहनाकर उन्हें शिक्षा प्रदान की गई है, ताकि वे समाज व देश के प्रति एक अच्छे नागरिक बनकर उभर कर सामने आ सके। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में अनुशासन, देश प्रेम की भावना एवं उन्हें कर्मठ व्यक्ति के रूप में उभार कर सामने लाना।